हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल नाइन्थ वाला। आज मैं आप लोग को जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके क्लास नाइन का साइंस का पेपर है, जो कैसे आपके यहाँ फेयरली टर्म्स के लिए आपको जो तैयारी करनी है वो किस हिसाब से किस बेस पे होगा, वो सारा चीज़ मैं इसमें डिटेल बताऊँगा। इसमें किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा चीज़ है। देखिए, हमारा टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 आवर्स के टाइमिंग पर हमारा है, ठीक है। 80 मार्क्स का हमारा फुल अपना टोटल मार्क्स होगा, 3 आवर्स का टाइमिंग दिया जाएगा, और जो जो भी मैं जनरल इंस्ट्रक्शन अभी दूंगा वो सारे चीज़ हमें करना है। जैसे कि आप इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सेक्शन ए में देखिए आपका ऑप्शनल्स दिया गया, ऑप्शनल आपको करना है वो चीज़ आप कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें देखिए आपको ऑप्शंस देते जाएंगे, फिलिना क्वेश्चन 5, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका ऑप्शन 6 यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द स्टेप्स इज नॉट इन्वॉल्व, 6 है ना, इसमें देखिए इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल आपका क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप उसको उसमें टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 से आपका दिया गया है 15 तक, ठीक है। तो आप इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप वीडियो को भी फुल प्ले करके ही देखिएगा, क्योंकि बीच में मिस करेंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो मिस आउट हो जाएंगे। 15 के बाद देखिए 16, 17, 18 जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये आपका एग्जाम्पल्स के साथ दिया गया। आपका साइंस में जो है तीनों पार्ट्स आ जा रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, तो सारा पार्ट आपका मिक्सअप हुआ है, तो इसी अकॉर्डिंग आप भी स्टडी कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस का जो पोर्शन होते हैं सब्जेक्ट्स का वो कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, किसी का कम आ जाता है, ठीक है। तो ऑन एंड ओवर जो एवरेज होगा वो हमारा इसी टाइप्स के क्वेश्चन पेपर आपका बन के आएगा, ठीक है। जैसे देखिए आपका ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम अब है प्लांट सेल्स, आपको प्लांट सेल हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स से और प्लांट सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको बताना रहेगा, ठीक है। जो हमारा उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन आपका जो आ जाता है वो सारी चीज़ आपको 2 to 3 मार्क्स में आ जाता है। फिर सेक्शन बी आपका जो है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू वो उसके अकॉर्डिंग ये रहते हैं। देखिए, करेक्ट रीडिंग द थर्मोमीटर इज़ नोटेड, आपको सिचुएशन दे दिया गया, आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना रहता है, ठीक है। 29 क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिखा रहा है। फिर लास्ट में देखिए फिगर बेस्ड भी आपका जो हमारा मॉडर्न अभी जो लेटेस्ट हमारा अपडेट आया है कि सिचुएशन बेस्ड या फिगर बेस्ड हमारा क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको यहाँ दिया गया, फिगर पे दे दिया गया, उसका ऑप्शंस दे दिया गया, आपको उसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए टोटल क्वेश्चन हमारा कितना है, 36 क्वेश्चन है 1 to 36, जिसमें आपका टोटल मार्क्स जो मैंने बताया वो 80 मार्क्स का है और टाइमिंग आपका 3 आवर्स का है, तो इसी में आपको सब कुछ करना है। तो ज़्यादातर हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को एक बार में सॉल्व आउट कर लेना है, जो आ रहा है पहले उसको कवर आउट कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में लिखिएगा, क्योंकि जो नहीं आ रहा है उसी में आप टाइम कंज्यूम कर लेंगे तो आपका जो आता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो वीडियो साइंस के पेपर है, जो आपका सैंपल पेपर है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा तो आपका जो पेपर है फेयरली वो बहुत ही अच्छा जाएगा। आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके फेयरली पेपर्स के लिए, और आगे भी ऐसे एनुअल पेपर्स के लिए वीडियो आपका बनता रहेगा। तो अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।